हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर की। इससे संबंधित एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, उस न्यूज़ के बारे में हम डिटेल से देखेंगे क्या न्यूज़ है। वो जो न्यूज़ निकल के आई है, वो 7 अगस्त को न्यूज़ निकल के आई है। और ये जो न्यूज़ है, वो मेन रूप से हम अगर हिंट दें आपको, तो एक नए कारोबार में ये कंपनी शामिल हुई है और इसको लगभग 375 मिलियन का नया प्रोजेक्ट मिला हुआ है, अभी हाल ही में मिला है। तो ये जो रिसेंट इसके डेवलपमेंट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसमें अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। एक तरफ जहां इसमें FII ने 15% की हिस्सेदारी अचानक बढ़ा दी थी, वहीं इलेक्ट्रा ग्रीन और पॉली कैप जैसी बड़ी कंपनियां भी इसकी क्लाइंट बन गई। और साथ ही साथ इसमें आप देखें कि लगातार 91% के आसपास इसमें डिलीवरी उठाई जा रही है। और साथ ही साथ इसमें और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, लगभग 20 करोड़ का इससे पहले जो प्रोजेक्ट मिला था, उससे पहले इसको लगभग 200 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट मिला था। तो इतने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि इसमें स्टार्ट अभी यहीं पर बना हुआ है। जिस दिन इसने ये भागना शुरू हो गया, तो ये मान के चलिए इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो 10 अगस्त को आएगा। तो ये आप देखेंगे कि अगर इसका रिजल्ट अच्छा आता है, तो ये मान के चले कि इसमें जब तेजी पकड़ेगी, तो ये इसका जो है पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सिर्फ ये अपर सर्किट में बात करेगा, लेकिन वर्तमान में चूंकि अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेट मूड में चल रहा है। अगर हम आज के चार्ट पैटर्न की बात करें, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसने आज लगभग फ्लैट रिटर्न दिया 0% का, और 3.10 रुपये आज फिर से बंद हुआ है। अर्थात ये 3 रुपये का जो सपोर्ट है और वही रेसिस्टेंट का भी काम कर रहा है। एक तरफ यहाँ से सपोर्ट लेकर उठता है, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंट की तरह रुक जाता है और सिर्फ 3.10 रुपये के और 3.20 रुपये के बीच में ही ये वर्तमान में रन कर रहा है। 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें, तो इसने लगभग उतना ही 0% का फ्लैट रिटर्न निकाल कर दिया है। 1 महीने में इसने लगभग 2% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। अगर 6 महीने की बात करें, तो इसने अपने शेयर होल्डर को कुछ नहीं दिया है, 0% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। अगर ईयर टू डेट की बात करें, तो लगभग 10% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, तो अभी तक इस शेयर ने 27.40% नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। अर्थात अगर कोई इसका जो शेयर होल्डर है और शेयर धारक है, वो अगर 1 लाख रुपये लगाया होगा, तो उसका इस समय लगभग 73,000 रुपये बचे होंगे। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे आ गए हैं कि बेसिक वेबसाइट पे। अब चलिए उस न्यूज को देख लेते हैं। उससे पहले हम अगर आज के कारोबार की बात करें, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो कारोबार हुआ है, वो लगभग 43 लाख शेयरों का टोटल कारोबार हुआ है, जिसमें से 27,74,000 जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए हैं। वो BSE पे हम बात कर रहे हैं, और जो 64.46% बनते हैं, लगभग 65% के आसपास इसमें डिलीवरी के रूप में शेयर उठाए गए हैं आज भी। तो दोस्तों, हम जिस न्यूज़ की बात कर रहे थे, वो आप देख रहे हैं आपके सामने है कि ये जो न्यूज़ है, ये 7 तारीख को आया हुआ है। अब हम चलिए इसके डिटेल को देख लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो 7 तारीख को ये आया हुआ है, इसमें बताया गया है कि ये जो कंपनी है विकास इकोटेक, ये बता रहे हैं कि ये ग्रीन इन्वायरो फ्रेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसमें कोलैबोरेशन करने जा रही है आर्म स्टेट प्रोजेक्ट PVT जो कंपनी है उसके साथ। अर्थात ये जो ग्रीन इन्वायरमेंट जो फ्रेंडली जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, उससे संबंधित जो रियल इस्टेट में ये अपना कदम बढ़ाने जा रही है, और इसके लिए ये आर्म जो स्टेट प्रोजेक्ट है उसके साथ ये कोलैबोरेशन करने जा रही है। अगर हम इसके डिटेल की बात करें, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 7 अगस्त का इन्होंने अपडेट किया हुआ है कि ये जो कंपनी है ग्रीन इन्वायरो फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विथ आर्म स्टेट प्रोजेक्ट LTD कंपनी, अर्थात इसके साथ ये कोलैबोरेशन करने जा रही है, और जो टोटल प्रोजेक्ट होने वाला है वो 500 मिलियन के आसपास का होने वाला है। और ये जो 75% इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग जो हिस्सेदारी है वो विकास इकोटेक लगाएगी, अर्थात इस 500 मिलियन में से लगभग 375 मिलियन ये जो है विकास इकोटेक पैसा इसमें इन्वेस्ट करने वाली है। और जो 375 मिलियन पैसा ये इन्वेस्ट करेगी, उसमें से 150 मिलियन इसने लगभग जुलाई 2023 में पेमेंट कर दिया है, और 225 मिलियन अभी भी ये अपने पास रखी हुई है और ये पेमेंट करेगी। और जो शेष 125 मिलियन आप देख रहे हैं बच रहा है, वो आर्म जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो इसका पेमेंट करने वाली है। अर्थात ये दोनों मिलकर ये कोलैबोरेशन करने वाले हैं, और ये जो बिल्डिंग जो बनाने वाले हैं, ये जो दो लोकेशन पर बनाने वाले हैं, एक गुरुग्राम और दूसरा हरियाणा, अर्थात हरियाणा और गुरुग्राम में दोनों जगह है ये जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं, और ये इसका जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो 500 मिलियन के आसपास होने वाला है। और ये जो टोटल जो होगा, ये ग्रीनरी बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, और इसमें सारा चीज ग्रीनरी को ध्यान में रखते हुए कोई भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का अपडेट। आप देख रहे हैं कि ये जो विकास इकोटेक कंपनी है, इसमें रिसेंट डेवलपमेंट इतने ज्यादा हो रहे हैं, इसको देखकर यही लग रहा है कि ये कंपनी अभी अपने वैल्यूएशन के साथ सही से ट्रेड नहीं कर रही है। जिस दिन इसमें तेजी आएगी, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इसमें अभी तक जितने डेवलपमेंट हुए हैं उससे संबंधित हमने वीडियो लगातार बनाई हुई है, और इस जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उसका वीडियो हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं और वहां जाने की कोशिश कर सकते हैं या जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, और उसके आधार पर आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उस देखने से पहले अपने स्तर पर भी आप इसका फंडामेंटल जाँचना जरूरी है आपको, और उसके लिए अपना फंडामेंटल भी जाँचें। साथ ही साथ एक चीज़ और, अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें ताकि आपका न केवल इन्वेस्टमेंट सुरक्षित हो बल्कि आपका जो है अच्छा खासा रिटर्न भविष्य में मिल सके। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि जो नए वीडियो की अपडेट है आपको समय समय पर मिलती रहे। हाँ, एक चीज़ और, इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।